चैप्टर तुमको इसी से हम समझाएंगे जी। हम तुमको अगला दो चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो बोलेंगे देखो यहीं से हम तुमको ये सब बात समझाने की कोशिश कर रहे जी। तो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी पहले समझो कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ घटनाएं घटती हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम तुमको कल भी समझाए थे कि जैसे एक मान लीजिए आपको अभी टेस्ट का ही तैयारी करना है, तो टेस्ट का तैयारी करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले किताब वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बनाते हैं फिंगर टिप्स या 32 ईयर से, तब आपको यानी कि ओरली रिवाइज करते हैं है ना, दोस्त सबके साथ डिस्कशन करते हैं, तब फाइनली आप तैयार हो जाते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसी तरह से है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे घटनाएं घटती हैं सर, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जी, ठीक है। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट है जी। सबसे लास्ट का लाइन ही हाईलाइट कीजिएगा आप लोग, और आपसे कोई पूछ देता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेन इवेंट्स है, ये तीन मेन इवेंट्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं सर, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जी, ठीक है। यही पे पूरा बेस है जी, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री का बेस यहीं से है, यही तीन वर्ड से। तो सर हमको बस इसका मतलब समझा दीजिए ना, तब हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। इससे पहले जो भी घटना घटेगा उसको क्या कहेंगे जी, प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो घटना है पोस्ट, आप लोग सुने होंगे टेंथ जैसे पास किए होंगे आप लोग, तो टेंथ जैसे पास करते तो आप लोग को जो स्कॉलरशिप मिलता था कहते ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट बोलने का मतलब क्या, आगे, और प्री बोलने मतलब पहले जी, ठीक है। जैसे आप प्री मेडिकल वार्ड सुनते होंगे, तो मेडिकल तो एमबीबीएस का क्लास हुआ उससे पहले का जो आपको एक्टिविटी करते थे उसको प्री मेडिकल बोलते हैं जी। सेम यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपको हम फर्टिलाइजेशन का मतलब समझा देंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि सर प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। सर सुनिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म ओवम के यूनियन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं सर। स्पर्म और ओवम जब दोनों मिल जाता है सर, दोनों एक साथ मिल करके एक ही शरीर में आपको चला जाता है जी, ठीक है। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इस घटना को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए एकदम ठेठ भाषा में डिफिनेशन है, यही डिफिनेशन आपको ट्वेल्थ का हर एक आपको चैप्टर में याद रखना है। मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, समझना दिए है ना सर, है ना। तो आवाज एक बार कट करके आप ज्वाइन कीजिए फिर से, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। हम फिर वीडियो डाल के डाल देंगे यूट्यूब पे, जहां पे छूट गया हो उसको मैनेज कर लेना वहां से, ठीक है। तो हेलो आवाज आप जाएगा है ना। तो हम बता रहे थे कि आप लोगों को कि आपको स्पर्म ओवम के मिलने की घटना को यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब है ना मेल और फीमेल गैमिट के मिलने की घटना, है ना, मेल एंड फीमेल गैमिट के मिलने की घटना को क्या कहते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सर इससे पहले भी तो बहुत कुछ होता होगा, मतलब सर स्पर्म ओवम बना कब, है ना जी, इसके बारे में, ठीक है। स्पर्म ओवम बनता कब है सर, ठीक है, और है ना सर स्पर्म ओवम मिलता कैसे है सर। तो सर स्पर्म ओवम बनने की घटना को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में रखेंगे जी, ठीक है। और है ना सर जब स्पर्म ओवम मिल जाता है तो क्या बनता है सर, जायगोट, है ना जी। जायगोट को हम लोग किस स्टेप पे रखेंगे, तो जायगोट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट ना, ए बंद करो रे आजम, अपना माइक बंद करो आजम, आजम माइक बंद करो जी। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, आप लोग को इसका मतलब अगर आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब आ जाएगा आप लोगों को, तो प्री फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। हमने अभी आपको ओरली समझाया कि स्पर्म ओवम के मिलने की घटना को, बना के उससे हमको कोई मतलब नहीं है सर, दोनों एक साथ करीब आ गया सर, मिल गया एक दूसरे में, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। और तुम सब जानता है कि जब स्पर्म ओवम मिलता है सर, ठीक है जी, स्पर्म हुआ और ये ओवम हुआ जी, ठीक है। स्पर्म ओवम समझ में आ रहा ना जी, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, है ना। स्पर्म को हम लोग मेल गैमिट बोलते हैं और ओवम को फीमेल गैमिट बोलते हैं जी। और ये दोनों जब मिल जाएगा सर, मिल जाएगा तो सर एक खास तरह का सेल बनता है सर, दैट सेल इज नोन एज जायगोट, है ना जी, जायगोट। तो स्टेटमेंट यही है सर कि सर जायगोट जो बना ना सर, तो इसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना है। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम लोग जायगोट बने होंगे पहले, और जायगोट से आगे जाकर के बेबी का शक्ल में बदले होंगे जी, ठीक है। तो पॉइंट ये सब चीज को कब पढ़ेंगे सर, इस सब टॉपिक को पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे जी, ठीक है। मतलब बच्चा कैसे माँ के गर्भ में बनता है सर, है ना, और उसके अंदर में लंग्स, किडनी, है ना, बॉडी पार्ट्स कैसे बनते हैं सर, ये सारा टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में आएगा सर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने आपको यही बोला कि जब स्पर्म ओवम मिलता है सर, इस घटना को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सर कुछ जानवर में
फर्टिलाइजेशन शरीर के भीतर होता है सर। जैसे हम लोग में भी देखोगे तो मेल अपना सारा गैमिट फीमेल के बॉडी में डालता है जी, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि तुम मेढक और मछली में क्या देखते हो, स्पर्म ओवम को वो लोग आसपास के पानी में छोड़ देता है सर। अब पानी में ही दोनों फ्यूज करके सर बच्चे में बदलता है सर। तो जिसका स्पर्म ओवम का मिलन बाहर के होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं सर। तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर में। अब प्री फर्टिलाइजेशन सर, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर, वह समय जो फर्टिलाइजेशन से पहले घटा हो, जैसे गैमिट का बनना। तुम लोग के मन में पहले सवाल उठा के चले सर हम आपके पास समझ रहे हैं कि स्पर्म ओवम मिलता है तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लेकिन स्पर्म ओवम बनता कैसे है, तो उस सारी घटना को पढ़ने के लिए हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक में जाएंगे जी, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक में हम लोग को यही आपको पढ़ना है कि स्पर्म ओवम बनता कैसे है सर। जब तुम ये समझ में आ जाएगा फिर तुम लोगों को मिला सर ये दोनों कैसे करीब आते हैं सर। जैसे अभी हम बोले भी थे कि मेल सारा गैमिट फीमेल बॉडी में डालता है सर, ठीक है जी। उसी तरह से बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे तुम लोग 11 में पढ़ा होगा कि सर आपको फीमेल गैमिट एक जगह रुकी रहती है, अब मेल गैमिट है ना सर उसके पास चल के जाता है सर, ठीक है जी। तो सर इस घटना को गैमिट ट्रांसफर बोलते हैं सर। जब मेल गैमिट चल करके फीमेल गैमिट तक पहुंचता है सर, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमिट ट्रांसफर सर। अभी तक मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिला नहीं है सर, नहीं मिला है इसका मतलब क्या, प्री फर्टिलाइजेशन है ना जी। और मिल गया है सर तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, आपको फर्टिलाइजेशन। अब मिल जाने के बाद कुछ नए सेल बनते हैं सर, जैसे जायगोट बनता है ना, या आपको क्या बनता है सर, आपको बॉडी बनता है, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसी चीज को लड़की कहेगी प्लांट में बैठा के बताइए, तो सर अरे प्लांट में जो पोलन ग्रेन का बनना, एग का बनना, ये सब क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। हम सब जानते हैं पोलन ग्रेन उड़ करके फीमेल तक पहुंचता है सर, ना कि कोई फीमेल गैमिट उड़ करके मेल तक पहुंचता है जी, है ना जी। तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचेगा सर, इस घटना को गैमिट ट्रांसफर कहेंगे सर। तो दोनों चीज को मिला करके एक साथ क्या बोलेंगे, मतलब कुलर का देखिएगा तो नीचे में यहाँ लिखा हुआ भी है, गैमिटोजेनेसिस ये वर्ड मिला किसी को, और गैमिट ट्रांसफर, दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं सर। गैमिटोजेनेसिस, देखो एक वर्ड आएगा बहुत बार, जिनेसिस, जिनेसिस माने द बनना, है ना। आप देख भी रहे होंगे ये पॉइंट में आपको लिखा हुआ है जिनेसिस, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जिनेसिस वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब टू फॉर्म होता है या कुछ बनाना होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो बातें होती है सर, गैमिट का बनना और गैमिट का मिलाना, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना सर। किसी किसी जानवर में मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों चल के एक साथ पहुंचता है सर, तो किसी किसी में क्या देखते हैं, सिर्फ मेल गैमिट चल के फीमेल गैमिट तक पहुंचता है सर। ये सब चर्चा में रहेंगे हम लोग, जब तुम ये सब समझ जाओगी तब उसके बाद हम तुमको बताएंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब समझ में आ जाएगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्लांट की नजर से देखिएगा तो प्लांट में भी सर फर्टिलाइजेशन होता है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही फल बनता है या सीड बनता है, है ना। फ्रूट का बनना, सीड का बनना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है जी, ठीक है। ये सब बेसिक आइडिया बना बना करके आपके एनसीईआरटी बुक में अभी लिखा हुआ है जी, ठीक है, और यही सब पढ़ना है जी। कोई लड़की कहेगी सर इस चैप्टर हमको बहुत बोरिंग लग रहा है, इसमें से हमको बस मेन एक पेज बता दीजिए, तो इसके जस्ट बाद अगला जो पेज है जी, पेज नंबर 11 नंबर, वही तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। एक ऑब्जेक्टिव गारंटी देते हैं बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कि आएगा ही आएगा। तुमको लगेगा सर कि है ना 11th से पूछ दिया है, लेकिन है यहाँ से जी। 11th में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल पढ़ना था, और यहाँ भी तुमको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल पढ़ना है जी, ठीक है। और अच्छा अच्छा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना रहता है जी, हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझाने का, और लिख के जब देंगे तो उसमें भी तुमको अच्छे से समझाया रहेगा जी, ठीक है। पर कोई भी लड़की बेवकूफ मत बन जाना, या कोई लड़का बेवकूफ मत बन जाना जी। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, इसी सबको हम लोग आज के दौर पे, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। मतलब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव चाहिए बिहार बोर्ड में, या आपको मेडिकल का 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 4 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होता है वो चाहिए, तो आपको अगला पेज पे एकदम ध्यान से सुनना होगा जी। हम क्वेश्चन भरपूर देंगे अगर इस टॉपिक को हम अगर कवर किए आज तो, ठीक है जी, पेज नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आफ्टर अटेंड द मैच्योरिटी, जब कोई मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट, इवेंट माने कुछ घटनाएं शो करता है अपने बॉडी में, दैट प्रोसेस हैव बीन रिमार्केबल फॉर द फंडामेंटल सिमिलैरिटी, जो कि दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है जी। हम ये भी बात बोले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म का इवेंट एक ही जैसा होता है जी, ठीक है। चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्लांट क्यों ना हो, सब में सर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा सर, ठीक है। तो आपको फंडामेंटली सिमिलैरिटी इवेंट दे आपको स्ट्रक्चरली एसोसिएट विद आपको विद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इंडीड ऑफ द वेरी डिफरेंट, मतलब क्या बनावट से भी अलग हो, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब अलग अलग दिखते हो सर, लेकिन सबका आपको आपको इवेंट जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही जैसा होता है, कोई मेडिकल का लाइन नहीं है, बस सुन के आगे बढ़िए। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, तो कल ही चर्चा कर दिए थे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है सर, आपको इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स होता है जी, ठीक है। तो इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स में चाहो तो हाइलाइटर लगा सकती हो, पहले भी जानते हैं, फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, आपको
रेगुलर सीक्वेंस का मतलब भी आप समझे हुए हैं कि सर एक पैटर्न में होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ये हो जाए बाद में ये या बाद में ये। भाई पहले ये होगा फिर दूसरा नंबर पे होगा तीसरा नंबर पे। देखो ये भी एक वैलिड क्वेश्चन बन गया, हम ये क्वेश्चन सेट कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले कौन होगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, तब फर्टिलाइजेशन और तब क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने को मिलेगा जी। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जी। ठीक है, तो वही लिख रहा है रेगुलर सिक्वेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन ऑफ है ना मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना, बात सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या खासियत देखते हैं, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना, फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोलेंगे यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड इम्ब्रायोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना होता है और इम्ब्रायो का बनना। व्हाट इज इम्ब्रायो सर, जब 1000 से जब एक से ज्यादा सेल हो जाता है ना माँ के घर में तो हम उसको इम्ब्रायो बोलते हैं जी। जायगोट एक सेल होता है जी, ये बात अभी देखो बहुत बच्चा कन्फ्यूजन रहता है। देखो कोई भी लड़का है ना जायगोट में एस मत लगाइएगा, है ना जी, जायगोट जो होता है ना सर हमेशा एक ही होता है जी। जब कभी भी कोई स्पर्म मोह मिलेगा सर तो जायगोट एक सेल स्ट्रक्चर होता है, अमीबा जैसा सर, मतलब एक सेल की अवस्था होता है। ये लाइन समझ में आ रहा है ना, जायगोट को 10,000 सेल नहीं है, मात्र एक सेल। जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं तो हम लोग की शुरुआत एक सेल से होता है जी, और दैट वन सेल इज कॉल्ड जायगोट। आफ्टर दैट जायगोट मल्टीप्लाई इन है ना मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जब आगे जाकर के जायगोट क्या करता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या करता है सर, ये बदल जाता है जी। तो जायगोट जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग है ना इम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं जी। ठीक है, इम्ब्रायोजेनेसिस आगे पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में लास्ट पेज में लिखा हुआ है। फॉर कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन इवेंट में या तीन स्टेज में बांट देते हैं जी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ग्रुप इनटू द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जी। ठीक है, तो अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं जी। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, और आप लोग इसी लाइन को हाईलाइटर चला दीजिएगा, हम पेन चला रहे हैं आप लोग हाईलाइटर चलाइएगा। गैमिटोजेनेसिस और गैमिट का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। आप कोई लड़की हमसे ये पूछिए सर गैमिटोजेनेसिस क्या है सर, तो देखिए तो ऑल आप अवेयर दैट गैमिटोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान देना, वन मार्क्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो वैसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि तुम लोग के सिलेबस से ये हटा दिया गया इस टॉपिक को, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गैमिट, मतलब मेल और फीमेल गैमिट के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, है ना, इस कॉल्ड है ना, इस कॉल्ड एक मिनट है ना, जब मेल और फीमेल गैमिट दोनों बनता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, इस कॉल्ड मेल एंड फीमेल गैमिट, सॉरी एक मिनट है ना, फिर से बोलते हैं। एक लड़का नया ज्वाइन किया, एक बार देख लेते हैं अब मार, है ना सुफियान तुम्हारा दोस्त है ये, हेलो अमार कौन है, एक बार तुम कट करके ज्वाइन करो या फिर आज के तुम छोड़ ही दो। ठीक है, हम आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब से एक बार देख लेना, है ना। अमार कौन है जी, अमार अच्छा ठीक है, तो सब मत करना जी। हाँ हेलो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम सुनना जी। ठीक है, दिक्कत होगा तो बाद में हम तुमसे बात करेंगे, अभी बीच में मत बोलना तुम। ठीक है, हम आपको YouTube पे डाल देंगे, उससे तुम समझने की कोशिश करना, उसके बाद नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, है ना जी। तो हाँ तो चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, है ना, तो टॉपिक ये है आप लोग के लिए अभी गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस क्या है उसको हम लोग समझ रहे थे, तो ये लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना, ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ है ना टू टाइप्स ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, गैमिट्स आर हैप्लोइड, ये लाइन पे भी हाईलाइटर चलाइएगा, इसमें डबल स्टार हाईलाइटर चलाइएगा जी। देखिए बहुत बच्चे के साथ ये कन्फ्यूजन रहता है जी, गैमिट्स आर हैप्लोइड। अब देखिए बहुत बच्चा तो ये भी नहीं पता होगा हैप्लोइड किसे कहते हैं, पहले उसको हम देखते साइड में रख के पहले आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, कलर हम चेंज कर देते हैं जी हाईलाइटर का, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये गैमिट्स आर हैप्लोइड होता है सर। ठीक है, अब देखिए आप सब जानते हैं कि हम लोग के पास क्या होता है 46 क्रोमोजोम होता है जी। ठीक है, आप सब समझे हुए हैं कि हम लोग के पास 46 क्रोमोजोम है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट से बने हैं जी। ठीक है, इसलिए सर माँ से भी 23 क्रोमोजोम आता है और पिता से भी कितना क्रोमोजोम आता है जी, 23 क्रोमोजोम आता है जी। ठीक है, जब दोनों मिलता है ना सर तब 46 क्रोमोजोम बनते हैं जी। ठीक है, अगर आप 23 को एन मान लीजिएगा है ना जी, तो आप इसको 46 को 2n नहीं मान सकते हैं क्या। देखिए जी, तो 2n को मतलब डिप्लोइड बोलते हैं जी। ठीक है, डिप्लोइड है ना जी, एन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हैप्लोइड बोलते हैं जी। ठीक है, फोटोग्राफ ठीक कर देते हैं, हमने यही बोला आपसे कि
जब आपसे कोई पूछ देगा हम लोग 46 क्रोमोजोम के बने हुए हैं, तो सर 23 क्रोमोजोम माँ की तरफ से आता है और 23 कहाँ से आता है, पिता की तरफ से आता है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर वन ये है कि सर दोनों तरफ से एन और एन आता है सर, ठीक है। जब दो एन मिलता है सर तो ये क्या बनता है आपको, 2N बनता है जी, ठीक है। 2N मतलब क्या, 46 क्रोमोजोम आपको बनता है जी, ठीक है। पहले पर जी, तो एन का मतलब ही क्या होता है सर, आपको हैप्लोइड होता है जी, ठीक है। इसका ही मतलब हम लोग क्या रखते हैं, हैप्लोइड के तौर पे इसको हम लोग रखते हैं जी, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो देखते हैं दोनों को मिला करके 2N बनता है सर, ठीक है। तो एन मतलब हैप्लोइड, और रट लीजिएगा सब आदमी, पत्थर का लकीर है सर, चाहे 10 तरह का जानवर का नाम तुम उठा के ले आओ या कोई भी दुनिया का कोई भी जानवर का नाम उठा के ले आओ, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सर तो उसका गैमिट 100% हैप्लोइड होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप मुन करके भी टिक मारेंगे तो हैप्लोइड पे ही लगना चाहिए सर। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी जानवर हो सर, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है सर, वॉट एवर देयर DNA, वॉट एवर देयर जीनोटाइप्स है ना, बट दे मस्ट मेक हैप्लोइड गैमिट, वो हमेशा हैप्लोइड गैमिट बनाएगा सर। अब तुम नहीं समझ रहे होगे तो एक एग्जांपल लेके हम तुमको समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि सर एक आपको ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है ये, और साइंटिस्ट सब लिख दिया कि ये फलाना ऑर्गेनिज्म है ना 2X है, 2X करने का मतलब क्या, डिप्लोइड है ना जी। तो आपसे पूछेगा इसका गैमिट बताइए, ठीक है जी। अब तुमको ना इस आदमी का नाम पता है ना इसका तुमको कोई प्रॉपर्टी पता है, बस इतना ही हिंट्स दिया है कि भाई इसका DNA 2X है। तो 2X माने क्या, डिप्लोइड। X माने आप गए थे ना, N माने थे ना, हम कहे थे N मानना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। तो जहां पे आप 2X देख रहे हैं, 2 माने दुगुना है ना, तो उसका आधा क्या हो जाए, X। अभी नहीं पढ़े थे N और N, और दोनों को मिला के क्या बनाए थे हम लोग, 2N है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या दे दिया, 2X। असर दुनिया का कोई भी जानवर क्यों ना हो, ठीक है, इसका गैमिट का मतलब X हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, जान बुझ के तुमको तंग करने के लिए क्या कहेगा कहेगा क्या, एक मकई का पेड़ है, ठीक है, एक मेज है, एक ऐसा क्वेश्चन सब फिंगर टिप्स में है ना जी, एक मेज है, लिख देगा क्या ये मेज के आपको लीफ में है ना, एक मिनट, मेज के लीफ में है ना आपको लिख देगा 42 क्रोमोजोम है, ठीक है, 42 क्रोमोजोम है ना जी। और आपसे पूछ देगा भाई गैमिट बताओ इसका। देखिए अब तुमको अगर सर हमसे नहीं बनेगा, हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो 42 क्रोमोजोम का मतलब क्या, लीफ बोल रहा है ना, दुनिया के सारे पौधे तो डिप्लोइड होते हैं सर, आप पढ़ाए हैं एंजियोस्पर्म का जितना भी पौधा है वो सबका सब डिप्लोइड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 21 दुना 2 करेंगे ना जी, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 2N नहीं हो जाएगा, तो हम इसको 21 को N नहीं मान सकते हैं क्या, इसको N मान लेंगे तो 2N लिखा सकते हैं ना। तो आप तुम लोग समझ गया होगा इसका गैमिट क्या होगा, गैमिट 21 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाहें, मतलब अगर 2N क्रोमोजोम लीफ का मतलब को लड़का समझ जाना, 2N हुआ ये, नहीं समझा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैच्योर हो जाओगे तुम लोग बनाते बनाते क्वेश्चन सब, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे हम, ठीक है। तो अगर कोई भी हिंट्स दे देगी 2X क्रोमोजोम है, समझ जाना उसका मतलब डिप्लोइड, तो उसका आधा कर देंगे सर, है ना जी, उसका आधा मतलब क्या, X हो जाएगा, है ना जी, 2X का आधा X, है ना जी, इस हिसाब से तुम बना सकते हो जी, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये लाइन आप लोग के लिए बहुत VVI था जो हम बताएं, बहुत हल्का लाइन है, इसको सब लड़का याद रखिएगा, गैमिट्स आर हैप्लोइड इन नेचर, ये लाइन किसी को भी भूलना नहीं चाहिए सर, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर इस लाइन के साथ, ठीक है जी। और वही से ही एक और लाइन आएगा, जायगोट, जायगोट ऑलवेज डिप्लोइड, है ना जी। कोई आदमी आपसे पूछ देगा, चाहो तो तुम साइड में लिख सकते हो, नहीं तो आगे लिखा हुआ ये बात, कि जायगोट जो होता है ना सर ऑलवेज डिप्लोइड, इसमें भी सर कोई कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दुनिया का कोई भी जानवर क्यों ना हो अगर उसका तुमको जायगोट पूछेगा तो तुम उसका जवाब देगा 2N होता है सर, ऑलवेज ऑलवेज लिखा, यूनिवर्सल लिख देते हैं जी, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में बहुत सारा आपको कॉन्स्टेंट का मान यूनिवर्सल होता है, उसी तरह से सर ये भी आपको सर ऑलवेज क्या होगा सर, 2N होगा। कोई भी एक्सेप्शन ढूंढ के लाओ, है ना जी, इनाम देंगे जी, ठीक है, नहीं मिलेगा किसी को एक्सेप्शन, है ना जी, इनाम चाहिए तो ढूंढ के लाओ लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट देखिए, अब देखिए यहाँ पे इन सम ऑर्गेनिज्म, अब ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा व्हाइट पेज में हम जाते हैं जी, रुक जाइए व्हाइट पेज हम खोलते हैं, है ना, एक मिनट, हाँ देखिए, तो हम एक आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ये बात आप लोग को हम बता रहे हैं अभी, समझिएगा, ऑब्जेक्टिव तैयारी हो रहा है जी यहाँ से, आप लोग कोई भी बोर्ड में क्यों ना हो ऑब्जेक्टिव ही आएगा इस टॉपिक से। हम कहना चाह रहे हैं गैमिट्स है ना सर दो तरह के होते हैं सर, है ना, ये बात सब लड़का समझ गया, गैमिट्स का मतलब स्पर्म ओवम को कहते हैं, दूसरा बात भी सब समझ गया कि गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। अब हम लोग बता रहे हैं गैमिट को शेप के आधार पर सर, शेप शेप मैंने दिखता कैसे है सर, उस आधार पर सर गैमिट्स दो तरह के होते हैं सर, एक होता है सर आपको है ना जी, एक लिखिएगा आप होमोगैमिट्स, है ना जी, देखना एनसीईआरटी बुक में अगर देखना चाहो तो देखो 11 नंबर पेज पे लिखा हुआ है होमोगैमिट्स, है ना जी।
होमो माने होता है एक जैसा, है ना जी, और एक है हिट्रोगैमिट्स, है ना जी, एक होगा आपको हिट्रोगैमिट्स, ये सब लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, हिट्रोगैमिट्स, लास्ट में एग्जांपल लटाना है हमको, ठीक है। और इसी को होमोगैमिट्स को दूसरे भाषा में हम लोग आइसोगैमिट भी कहते हैं, आइसो माने एक जैसा होता है जी, गैमिट माने गैमिट, है ना जी, आइसो माने एक जैसा समान, और इसको क्या कहेंगे, एन आइसोगैमिट, है ना जी, हिट्रोगैमिट का दूसरा भाषा क्या हो जाए, एन आइसोगैमिट, है ना जी, एन आइसोगैमिट, ठीक है, ओके। तो गैमिट्स कितने तरह के होते हैं सर आपको, तो गैमिट्स दो तरह के होते हैं जी, ठीक है। तो गैमिट्स में आपको हम लोग का है आइसोगैमिट्स का क्या मतलब होगा सर, आइसोगैमिट्स का मतलब होगा सर आपको, है ना, आपको एक जैसा मेल गैमिट फीमेल गैमिट, मतलब सर एक मेल गैमिट है ये और एक फीमेल गैमिट है सर, कोई अंतर ही नहीं बुझा रहा है सर, मतलब दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है सर। एक मिनट हम बनाते हैं, चाहो तो आप एनसीईआरटी बुक में पहला फोटोग्राफ देख सकते हो, पेज नंबर 10 पे 1.5, है ना, फिगर में पहला फोटोग्राफ देखिए आइसोगैमिट्स का है। खैर हम ये फोटोग्राफ कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ये सर जब आप मेल गैमिट में और फीमेल गैमिट में कोई डिफरेंस ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, है ना सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोगैमिट्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट ये है सर, आपको मेल गैमिट में और फीमेल गैमिट शेप से एक जैसा दिखाई देता हो, बाहर से देख के तुम बता ही नहीं पा रहा है कि सर कौन लड़का वाला गैमिट है कौन लड़की वाला गैमिट है जी, ठीक है। तो ऐसे गैमिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोगैमिट्स के नाम से बुलाते हैं सर। आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मारोगे तुम लोग कि आइसोगैमिट का एग्जाम्पल कौन है, क्लैडोफोरा, गारंटी लेते हैं हम भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछेंगे और नीट भी पूछता है जी, ठीक है, नीट इसको 11th के चैप्टर 3 से जोड़ के पूछता है, चैप्टर 3 में 11th में भी तुम लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहीं से तुम वही चीज को रिपीट कर लो ना। उसके बाद दूसरा है सर, है ना, एन आइसोगैमिट याद करो सब आदमी, एन आइसो माने एक जैसा नहीं सर, एन आइसोगैमिट, है ना, एन आइसोगैमिट का मतलब होता है आपको एक जैसा नहीं दिखने वाला सर, ठीक है, या इसी को तुम हिट्रोगैमिट के नाम से भी तुम बुलाई, ठीक है जी। एन आइसोगैमिट को दूसरे भाषा में क्या बुलाएंगे हम लोग, हिट्रोगैमिट भी बोलेंगे। इसमें सर मेल फीमेल गैमिट डिफरेंस होगा सर, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा सर, पता चल जाता है सर कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अक्सर फीमेल गैमिट बड़ा होता है सर और रुकी हुई होती है, ठीक है, और मेल गैमिट क्या होता है, छोटा होता है और, है ना, चलता हुआ दिखाई देता है जी। अभी जो फोटो देखे थे आप लोग उसी फोटोग्राफ में आपको बी नंबर फोटोग्राफ और सी नंबर फोटोग्राफ देखिए, बी नंबर फोटोग्राफ, है ना जी, आपको किसका है सर, आपको, है ना, एक फ्यूकस नाम के पौधे का है जी, एक अल्गी है जिसमें फीमेल गैमिट बड़ा है और मेल गैमिट एकदम छोटा सा बना हुआ है जी, और उसके जस्ट बगल में हम लोगों में जो होता है गैमिट उसका फोटोग्राफ है जिसे फीमेल गैमिट स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, मेल गैमिट देख रहे एकदम सांप के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो मेल गैमिट स्पर्म है जी, ठीक है। तुम लोग खुद देख के बता देगा शेप से सर कि बड़ा छोटा कौन है, और साथ साथ बड़ा ही फीमेल ही हमेशा बड़ा होता है। इस सवाल का जवाब हम तुमको चैप्टर 3 में देंगे कि मेल गैमिट आपको जो है ना, सॉरी मतलब फीमेल गैमिट है ना बड़ा क्यों होता है जी, ठीक है। ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है जी, आवाज साफ साफ जाना चाहिए, दिक्कत होगा तो आप लोग कट करके ज्वाइन कीजिएगा, होता कभी कभी हम फास्ट बोल देते तब भी आपको आवाज थोड़ा सा कटने लगता है ना। तो हम आपको बता रहे थे क्या कि ये सब दो बातें थी, ठीक है जी, एक है आपको आइसोगैमिट, है ना, एक क्या सर आपको एन आइसोगैमिट, ठीक है जी। तो आइसोगैमिट में हमने आपको बताया और एन आइसोगैमिट भी हम आपको बता दिए सर, ठीक है। अब आइए हम लोग मेल गैमिट का और क्या क्या नाम से जानते हैं सर, ठीक है। देखिए मेल गैमिट आप बोल सकते हैं, है ना, मेल गैमिट को एक और नाम दिया गया है सर, ठीक है, इसका एक नाम स्पर्म भी बोलते हैं जी, ठीक है। मेल गैमिट बुलाइए, है ना, या इसी को आप क्या बुलाइए, स्पर्म के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्पर्म, है ना। और एक और नाम है सर, इसका नाम है एंथ्रोजुआइट, है ना जी, एंथ्रोजुआइट, है ना जी, एंथ्रोजुआइट, इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग, एंथ्रोजुआइट के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एंथ्रोजुआइट थोड़ा जगह कम रह गया था इसलिए यहाँ लिख देते हैं जी। देखिए कोई भी लड़का है ना, है ना, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वर्ड है ना आपको एनिमल में इस्तेमाल होता है, हम लोगों में जो मेल गैमिट बनता है उसको स्पर्म बोलते हैं, आप प्लांट में जो मेल गैमिट बनता है ना सर उसको हम लोग एंथ्रोजुआइट के नाम से बुलाते हैं। दिमाग लगा सब आदमी को क्या बोले अभी हम, है ना। अगर आपसे पूछ देगा प्लांट में किस तरह का गैमिट बनता है तो आप ऑप्शन दोनों दिया जाए तो दोनों पे टिक मारोगी, ठीक है, नहीं तो परफेक्ट ऑप्शन मांगेगा तो एंथ्रोजुआइट ही होगा जी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट वर्ड है, बस प्लांट का रिस्पेक्ट, हम कल भी बोले थे प्लांट को अलग टीचर पढ़ाता है एनिमल को अलग टीचर पढ़ाता है, दैट्स व्हाई ऐसा कंफ्यूजन पैदा करता है वो लोग, है ना जी। खैर आगे बढ़ो, इससे फीमेल गैमिट में आइए, तो फीमेल गैमिट की जब बात करिएगा आप, है ना जी, तो फीमेल गैमिट, है ना जी, एक पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग, फीमेल गैमिट का भी दो नाम है सर, है ना जी। एक नाम क्या है सर इसका, एग के नाम से भी बुलाते हैं सर, एक नाम है एग, एग लेकिन बहुत चीप वर्ड लगता है जी, ठीक है। लेकिन एग के अलावा एक और नाम है सर, क्या है इसका, है ना जी, तो इसको हम लोग आर्चिगोनिया के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, क्या है, ओभम के नाम से, बेहतर इंग्लिश है ओभम, ठीक है, ओभम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। वन पॉइंट, ओभम भी इसको हम लोग बोलते हैं जी। यहाँ भी तुम लोग पूछोगे सर कौन प्लांट कौन एनिमल में, ये वर्ड एनिमल में इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, ये वर्ड प्लांट में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर यही इस्तेमाल होगा, कहीं भी तुम
इस्तेमाल कर सकते हो जी। ठीक है, तो मैंने दो बातें आप लोगों को भी पढ़ाया। प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक चल रहा है अभी हम लोग का, है ना जी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सुनना शुरू कर रहे हो, तो अभी हम आपको प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ाए थे। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमने कहा है ना, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने कहा था, हेलो, हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आर्चिगोनिया भी वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने आपको कहा प्री फर्टिलाइजेशन में दो बातें अभी आपको पढ़ना था, एक बात पढ़ना शुरू कर दिए, दूसरा बात आगे पढ़ेंगे। एक बात क्या पढ़ाया अभी हम आप लोगों को कि सर, है ना, एक बात हमने अभी पढ़ाया आपको गैमिटोजिनेसिस। तो गैमिटोजिनेसिस में आपको ये बताया गया मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनने की प्रक्रिया को गैमिटोजिनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी। पॉइंट नंबर ये कि सर बनता कैसे है ना, इसका जवाब चैप्टर टू और चैप्टर थ्री में मिलेगा कि सर हमको वो भी चीज जानना है, है ना, कि कैसे बनता है सर, पूरा छिलका छुड़ा के बताइए सर कि स्पर्म कैसे बनता है और ओवम कैसे बनता है सर। ठीक है, ये दोनों चीज बनने का जो प्रक्रिया है ना, ये तुमको बताया जाएगा अगला चैप्टर में, लेकिन अभी तुमको ये बात आइडिया हो गया होगा कि गैमिट कोई बनता है सर, और गैमिट बनने की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, ये बात याद हुआ सबको। अब दूसरा बात तुम लोग ये याद कर रहा होगा कि सर मेल गैमिट होता है दुनिया में और फीमेल गैमिट होता है, ठीक है जी, और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेगा तभी बच्चे बनेंगे जी। इसका कोई लड़का नहीं समझना कि मेल गैमिट मिल जाएगा तो बच्चा बन जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा वो लड़का, ठीक है जी, है ना, कभी नहीं ऐसा होता है जी। ठीक है, प्लस प्लस में कभी कभी होता है जी, ठीक है, स्पार्क पर रिपल कर जाए ना जी, माइनस माइनस रिपल करता है ना, समझ रहा हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हमेशा मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट के साथ मिलेगा तब ये फर्टिलाइजेशन माना जाएगा जी। ठीक है, अपने अपने में नहीं कभी चिपकता कोई गैमिट। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है कि सर हमने आपको ये भी बताया मेल गैमिट का पहचान कि उसका स्पर्म के नाम से जानते हैं, एंथ्रोजोइट के नाम से जानते हैं, तो फीमेल गैमिट का पहचान हमने बताया ओवम के नाम से जानते हैं, है ना, और आपको उसी को आर्चिगोनियम बोलते हैं या उसी को एग बोलते हैं जी, आप चाहो तो जो भी वर्ड इस्तेमाल करना कर सकते हैं। मेन मेडिकल का लाइन क्या था, तो होमोगैमिट और हिट्रोगैमिट। होमोगैमिट मतलब एक जैसे दिखने वाला, गैमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोगैमिट, है ना, और जब अलग अलग जैसा दिखता है उसको क्या नाम देते हैं, हम लोग हिट्रोगैमिट के नाम से बुलाए थे। इसमें भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम लोग कहोगे सर क्या याद करवाइएगा आज का क्लास में, तो हम तुम लोग को होमोगैमिट और हिट्रोगैमिट का एग्जाम्पल कहेंगे याद कर लेने के लिए। होमोगैमिट का एग्जाम्पल कौन कौन था, तो केलाइडोफोरा, देखिए एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, थर्ड में रीडिंग देंगे तो आ ही जाएगा, और हिट्रोगैमिट में एग्जाम्पल में होगा आपको, है ना, फ्यूकस है ना, और होमोसेपियंस का आपको एग है, यानी होमोसेपियंस यानी हम लोग हुए ह्यूमन बींग। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा जी वीवीआई क्लास, देखिए सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या है ना, शरीर किस तरह का बना होता है सर, सर दो तरह का सेक्सुअलिटी होता है सर, है ना, जैसे आप कहते हैं ना मेंटेलिटी, मेंटली में दिमाग कैसा है सर, कोई आदमी एकदम हमेशा लड़ने की फिराक में रहता है, कोई आदमी बहुत शांत होता है जी, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी भी दो तरह का होता है सर, कोई ऑर्गेनिज्म में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, और कोई ऐसा भी होगा जिसमें दोनों करेक्टर होगा सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल, मान लीजिए कोई जानवर है सर, इसमें यहाँ पे मेल ऑर्गन है और यहाँ पे फीमेल ऑर्गन है सर, और कोई ऐसे जानवर है सर जिसमें मेल अलग है सर, है ना, मान लो ये मेल है पूरा, है ना, ये मान लेते फीमेल है सर, इस हिसाब से दो तरह का सेक्सुअलिटी बनता है सर। ठीक है जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सर मेल फीमेल एक साथ हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो सर एक साथ हो, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं जी। देखिए बहुत लड़का कंफ्यूजन हो सकता है, बाइसेक्सुअल बुलाते हैं इसको जिसमें लड़का लड़की अलग हो सर, यूनिसेक्सुअल, है ना जी, यूनिसेक्सुअल के नाम से लाते हैं। कोई लड़का इसको ट्रिक में भी याद कर सकते हो, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों के पास कोई ट्रिक होगा तो उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको क्या पढ़ा, दुनिया में दो तरह के सेक्सुअलिटी होते हैं, एक बाइसेक्सुअल होते हैं और एक यूनिसेक्सुअल होते हैं जी। ठीक है, बाइसेक्सुअल करने का मतलब जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक ही पे हो, ठीक है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल के नाम से बुलाते हैं, जिसमें लड़का लड़की अलग अलग हो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग यूनिसेक्सुअल है जी, है ना, हम लोग में लड़का और लड़की अलग अलग रहता है इसलिए सर हम लोग यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं सर। मतलब तुम लोग कहोगे सर थोड़ा सिंपल वे में समझाइए ना, तो हम यही बोलना चाहते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म ओवम एक ही शरीर में बनता है, है ना जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म ओवम अलग अलग शरीर में बनता है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिसेक्सुअल के नाम से बुलाते हैं। अब ब्लंडर कहां करता है स्टूडेंट सब, तो बाइसेक्सुअल का ही दूसरा नाम है जी मोनोसियस, इसी का एक नाम क्या है सर आपको, मोनोसियस। देखिए यही कंफ्यूजन उसको होने लगता है, मोनोसियस, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे थोड़ा सा ओवरलैप करके लिख रहे हैं जी। ठीक है, मोनोसियस, है ना, मोनोसियस क्या होता है, एक बार थोड़ा सा हम साफ करके ठीक से लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट है ना जी, तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी है जी। ठीक है, एक पॉइंट है ना, एक मिनट,
है ना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सेक्सुअलिटी, है ना। नई कुश्ती को समझ में आ रहा है तो हम बताना चाह रहे हैं ऑर्गेनिज्म दुनिया में दो तरह के होते हैं सर, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है सर आपको, है ना, बाइसेक्सुअल, एक का नाम क्या आपको, यूनिसेक्सुअल, है ना जी, बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल। एक क्या हो जाएगा सर आपको, यूनिसेक्सुअल, है ना, ये सब नोट से लिख करके दे देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना, यूनिसेक्सुअल, है ना। और एक हो जाएगा सर आपको, है ना, बाइसेक्सुअल का मतलब अभी फोटोग्राफ से समझा दिए थे तुम लोग को कि एक ही शरीर पे दोनों हो, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन एक ही शरीर पे हो, मेल भी इसी पे हो और फीमेल भी इसी पे हो, जबकि यूनिसेक्सुअल में क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग हो सर, मेल अलग है और फीमेल अलग है सर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग यूनिसेक्सुअल मानेंगे जी, ठीक है। आप देखिए इसी का दूसरा नाम ही कंफ्यूजन लाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, बाइसेक्सुअल का ही एक और नाम है सर मोनोसियस, इसी को हम लोग एक नाम और दिए हुए हैं सर मोनोसियस, है ना जी, मोनोसियस के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और एक इसी का तीसरा नाम भी है सर, ठीक है, इसी का तीसरा नाम है सर आपको, है ना, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं जी, हर्माफ्रोडाइट, जिसके एनसीईआरटी बगल में खुला हुआ है सर वर्ड देखो हाईलाइट करो या अंडरलाइन करना शुरू कर दो, हर्माफ्रोडाइट्स, है ना जी, यही मेडिकल का क्वेश्चन सर होता है, जानबूझ के स्पेलिंग ऐसा लिखेगा ना कि बच्चा पहले एग्जाम में कंफ्यूजन रहे, है ना, लिख देगा हर्माफ्रोडाइट ढूंढ के बताइए, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन हर्माफ्रोडाइट्स, पहले बात तुमको हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब तो आना चाहिए ना, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल फीमेल एक ही शरीर पे जी, ठीक है, हर्मा, है ना, आपको फोडाइट्स, ठीक है जी, एक देखिएगा कहीं भी लिखा होगा स्पेलिंग में, है ना, पूरा नहीं लिख पा रहे क्योंकि स्क्रीन छोटा है ना, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स, एक मिनट, है ना, हम भी देख लेते हैं, हाँ यस ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट्स प्रोनाउंस कर लीजिएगा, प्रोनाउंस हम लगता है हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसको हर्माफ्रोडाइट्स या हर्माफ्रोडाइट्स बोलिए, है ना। उसके बाद एक नाम और है सर इसी का, ये तीन गो नाम हुआ, लास्ट नाम और लिख रहे हैं, होमोथैलिक, थैलिक माने होता है बॉडी, होमो माने एक ही पे, है ना जी, दो बॉडी, है ना, होमोथैलिक, एक चौथा नाम भी इसका है सर होमोथैलिक, है ना जी, आवाज जा रहा है ना, होमोथैलिक, ठीक है, होमोथैलिक है ये, है ना। तो चार नाम हो गया सर, यही चार नाम कंफ्यूजन लाता है बहुत सारे बच्चे को, यही नाम तुम लोग याद करना, तुम लोग एनसीईआरटी में जो व्हाइट कॉर्नर खाली है ना जी, यानी कि बुक में जहाँ पे व्हाइट पेज सब देख रहे हो, बगले में लिख देना ये चारों वर्ड जो हम लिखे हैं, स्पेलिंग मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी स्पेलिंग लिखा रही है, तुम लोग साइड में लिख देना, पहला लिखना बाइसेक्सुअल, उसका दूसरा नाम मोनोसियस, तीसरा नाम हर्माफ्रोडाइट, चौथा नाम होमोथैलिक। बाइसेक्सुअल में कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बाय माने दो, सेक्सुअलिटी माने दोनों सेक्सुअलिटी, है ना। अब मोनोसियस क्या था, मोनो माने था एक ही शरीर पे, सीएस माने होता है सर आपको सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी, तो एक ही शरीर पे सारे सेक्स ऑर्गन हो सर, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट्स का क्या मतलब होता है जी, तो हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब सर क्या होता है, सर जिसमें आपको स्पर्म और ओभम बनाने वाला जो ऑर्गन होते हैं, यानी टेस्टिस ओवरी एक ही पे होता हो, टेस्टिस और ओवरी एक ही शरीर में होता हो, उसी को हर्माफ्रोडाइट्स वर्ड बोलते हैं जी। फ्रोडाइट्स माने होता है सर सेक्स ऑर्गन, हर्मा माने तो एक ही शरीर पे, ठीक है जी। और चौथा नाम है होमोथैलिक, एक्चुअली होमोथैलिक वर्ड फंगस के लिए यूज होता है जी, कब जब कोई फंगस अपने अपने में क्रॉस करके बच्चे को जन्म देता है सर, इस घटना को होमोथैलिक कहते हैं, थैलिक वर्ड प्लांट या फंगस पे इस्तेमाल होता है जी, होमो माने एक ही शरीर, यानी कि एक ही शरीर पे सर क्या हो, है ना, सेक्स ऑर्गन हो सर, उसको होमोथैलिक बोलते हैं। अब उसी तरह से, है ना, यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम सुनिए जी, ठीक है, यूनिसेक्सुअल को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, एक मिनट, है ना, यूनिसेक्सुअल, है ना, एक मिनट, इसको थोड़ा वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल जब देखते हैं सर, तो यूनिसेक्सुअल में, है ना, इसका एक और नाम है सर, ठीक है, एक पॉइंट पे जब ध्यान दीजिएगा, तो यूनिसेक्सुअल को हम लोग एक नाम बुलाते हैं डायोसियस, जैसे मोनोसियस था उसी से यहाँ पे डायोसियस है जी, ठीक है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, डायोसियस का मतलब होता है सर आपको, है ना, आपको एक साथ आपको अलग अलग सर बॉडी, ठीक है, डायोसियस, ठीक है, देखिएगा डायोसियस स्पेलिंग भी कोशिश कीजिएगा आप लोग याद कर लेने का, एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन ना हो। डायोसियस, इसका एक नाम और है सर, इसका नाम है हिट्रोथैलिक, हो गया, बस तीन नाम है इसका, हिट्रोथैलिक, है ना जी, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, हम लोग हिट्रोथैलिक के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको एकदम इजीली वे में बोल देते हैं, आप लोग समझ जाना जरूरी है इसको, एग्जाम्पल रट्टा मारना है जी, एनी हाउ आप लोगों को एग्जाम्पल रट्टा होना चाहिए, सामने में आप लोग रहते हैं तो हम आपको दो दिन तक पूछते रहते हैं जी, ठीक है, क्या नाम इसका, क्या नाम है, ठीक है, इसका माइक ऑन है जी, हेलो, एक मिनट, माइक ऑफ करो जी, सुफियान माइक ऑफ करो, हेलो, हाँ ऑफ करो, हाँ ठीक है, हाँ। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे आप लोगों को, आप लोगों को हम एक बार आपको एक बार और हिंट्स दे देते हैं, उसके बाद आप लोग एग्जांपल याद कीजिएगा,
है ना, एक मिनट। हाँ देखिए, तो हाँ बस हो गया, मोटर चलवाएंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट, मोटर चला दूँ तो रोक दे तू घर पर स्टॉप पर। ठीक है रुक जाइए। हेलो हेलो, आज का क्लास यही तक रहेगा जी, ठीक है, कुछ काम आ गया हमको। हेलो, है ना, इतना ही दूर तक आज का क्लास रहेगा, शाम में 4 बजे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, है ना। हेलो, हाँ तो शाम में 4 बजे हम पढ़ा देंगे, वही आपको थोड़ा सा घर वाला कुछ काम कर रहे हैं, है ना। शाम में 4 बजे क्लास होगा, और आज 2 टेस्ट है जी, ठीक है, एक वाटर हाइसन से मेस्टोसाइकिल तक, और एक है ओल्ड एज टू, है ना, वाटर एक ही टेस्ट रखते हैं जी, ठीक है, मेस्टोसाइकिल तक रहेगा, है ना। कल जो जहाँ तक पढ़ाए थे मेस्टोसाइकिल, वहां तक, ठीक है, नोट्स दे देंगे, नोट्स से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, क्लास थोड़ा सा कुछ काम है अभी हमको, ठीक है, ठीक है। एक मिनट।